ये तो पहला कॉरिडोर है, दूसरे कॉरिडोर के एंड में मिलने की बात हुई थी। केतन जी, मैं सोनाली, मैंने आपसे फोन पर बात की थी, सॉरी मुझे थोड़ी देर हो गई। केतन जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? केतन जी, केतन जी, एक मिनट, अब हटिए, एक्सक्यूज मी। अदे सर, बॉडी अभी भी गर्म है, मतलब मौत थोड़ी देर पहले ही हुई सर। माता भाई का कोई निशान नहीं है, लगता है किसी ने अचानक मार दिया है। और मौत अभी अभी हुई है। हैरानी की बात यह है कि इतने भरे शॉपिंग मॉल में इतने सारे लोगों के बीच एक आदमी का खून होता और किसी ने देखा तक नहीं। सरप्राइजिंग। सर, यहाँ एक औरत है जिसे लाश मिली है, काफी डरी हुई है सर, मुस्कान से स्टेटमेंट लेने की कोशिश कर ली है। सर, शायद जैसे ही औरत यहाँ पहुंची उससे जरा देर पहले खून हुआ होगा सर, और हो सकता है खूनी उसके सामने से ही गया होगा सर। काफी बुरा हाल है लड़की का। अब ऐसा खून देखने के बाद तो किसी का भी हाल बुरा होगा, ये तो एक लड़की है। सर, कुछ बताया है इसने? नहीं सर, कुछ बता नहीं पा रही। ठीक है। क्या आपने ही लाश को देखा पहले? नाम क्या है तुम्हारा? सोनाली। सोनाली, क्या आपने यहाँ किसी को भागते हुए देखा? आप यहाँ किस लिए आई थी? उनसे मिलने। उनसे मिलने? मतलब आप इस आदमी को जानती हैं? क्या हुआ? आप यहाँ? एक्सक्यूज मी, एक मिनट। मुस्कान सर, जल्दी से पानी ला। जी सर। इसे क्या हुआ सर? पता नहीं, अभिजीत को देखा और बेहोश हो गए। अभिजीत, क्या तुम इसे जानते हो? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं जानता इन्हें। सोनाली, सोनाली, इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। अरे देख तो, कितना मेकअप लगा रखा है इसने। मेकअप? ये मेकअप है क्या? तो और क्या, लग रहा है जैसे किसी पिक्चर की शूटिंग करने जा रही थी। सिस्टर, हाउ इज द पेशेंट? डॉक्टर, ये MRI रिपोर्ट आ गई है, आप जरा देख लीजिए प्लीज। क्यों, एनीथिंग स्पेसिफिक? ये तो आप एक बार देख लीजिए। व्हाट, हाउ इज इट पॉसिबल? रिपोर्ट दिखाना। ये लीजिए, मैं खुद बहुत टेंशन में हूँ। ये कैसे हो सकता है?
नर्स कम विद मी। ओके डॉक्टर। सबक सिखाती हूँ। देखो दया, और भी कुछ पता चले मुझे फोन पे बताते रहना, ओके? राइटो। क्या हुआ सर? होश में आई लड़की? डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है सर? जैसे ही सोनाली इस आदमी से मिलने आई, इस आदमी का खून हो गया। इसका मतलब है सर कि कोई था जो नहीं चाहता था कि ये आदमी सोनाली से मिले। अच्छा, इस आदमी के बारे में कुछ पता चला? कौन है ये? जी सर, क्रेडिट कार्ड से पता चला है कि इसका नाम केतन है। केतन? और लगता है सर, अगर ये आदमी सोनाली से मिलता तो शायद वो कैमरा ऊपर लगा है। हाँ, देख रहा हूँ, हमारे पास एक आईविटनेस है, ये कैमरा, इसने सब कुछ देखा होगा। जो भी आदमी इस मॉल के अंदर आता है जाता है, ये सबको देखता है। अभिजीत, वो लड़की तुम्हें देखते ही बेहोश हो गई, इतना शॉक लगा उसे। और तुम कह रहे हो कि तुम उसे पहचानते नहीं, और जिस तरह से वो लड़की तुम्हें देख रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे वो तुम्हें सालों से जानती है। अरे यार, मैं वाकई उसे नहीं जानता, मुझे याद ही नहीं आ रहा वो कौन है। बड़ी अजीब बात। हाँ, अजीब तो है, मैं पहचान क्यों नहीं पा रहा इसको। एक बार फिर से उसका चेहरा देखो। अरेस्ट कर लीजिए इन्हें। क्या बात है? यही है वो, पकड़ लीजिए। आप इन्हें सैल्यूट कर रहे हैं? आप इन्हें सैल्यूट क्यों कर रहे हैं? मैं आपको कह रही हूँ कि इन्हें अरेस्ट कीजिए, और आप इन्हें सैल्यूट कर रहे हैं? डग सब वो क्या? ये लोग हमें अरेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम लोग CID ऑफिसर्स। CID ऑफिसर्स? आप लोग CID ऑफिसर्स होते हुए ऐसा गंदा काम करेंगे? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या क्या किया? मुझसे पूछ रहे हो क्या किया है आपने? हाँ, क्या किया? उस लड़की से सिर्फ पूछताछ कर रहे थे और वो बेहोश हो गई। सिर्फ पूछताछ? जी हाँ, वो आई विटनेस है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताती हूँ आपने क्या किया है। आइए, आप लोग जरा बाहर। देखिए, देखा कितनी बुरी तरह से मारा है इसे। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, ये सब हम लोगों ने नहीं किया है। हम यहां सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ओके? और पहले ये निशान हमें दिख भी नहीं रहे। इसने मेकअप लगाया हुआ था। ये हमारी आई विटनेस है, इसके होश में आने की कोई उम्मीद है? बहुत कम। ये सीसी कैमरा भी बड़ी कमाल की चीज होती है ना? 15 दिन पहले भी मॉल में कौन आया कौन गया सब पता चल सकता है। फ्रेडिक्स, रिवाइंड करो। केतन अंदर आया तब से ले लो। यस सर। ये केतन आया सर। फ्रेडिक्स, रिवाइंड करो। ये देखो, जैसे सोनाली उसके पास आती है, वो अपनी टोपी नीचे कर लेता है और अपना चेहरा भी नीचे कर लेता है। देखा? प्रेडिक्स,
जरा फिर से दिखा। देखा, देखो वो अपनी टोपी नीचे कर रहा है। तो शायद ये आदमी खूनी हो सकता है। इसे डर है कि सोनाली कहीं से पहचान ना ले। मतलब सोनाली केतन को और खूनी दोनों को पहचानती है। सर, ये थोड़ी अजीब बात है ना? हाँ अजीब तो है, मगर सच भी है। ये टोपी वाला आदमी गड़बड़ है। वैसे सोनाली का क्या हाल है? सर होश में तो अभी भी नहीं है। डॉक्टर्स क्या कहते? वो तो कह रही है पता नहीं होश आएगा भी कि नहीं। सर सोनाली को अगर होश आता है तो हम ये क्लिपिंग उसे दिखा सकते हैं, शायद वो इस टोपी वाले आदमी को पहचान ले। पेशेंट को देखा क्या आपने? किसी पेशेंट को बाहर जाते हुए देखा है? नहीं नहीं मिले नो डॉक्टर, हम कहाँ ढूंढे इसे? तुम्हारी तो नर्स जल्दी से इसे रूम में लेके वार्ड बॉय जल्दी करो जल्दी केतन की वाइफ आई है सर, केतन की मौत के बारे में कुछ बताना चाहती है। आप हमें कुछ बताना चाहती हैं केतन के बारे में? जी हाँ, मुझे मुझे पता है केतन को किसने मारा है। आपको पता है? जी। कौन है वो? सोनाली। सोनाली? जी हाँ सोनाली, जिसे आप हॉस्पिटल लेके गए हैं, उसी ने केतन की जान ली है और अब बीमारी का नाटक कर रही है वो। एक मिनट मैम, वो बीमारी का नाटक नहीं कर रही, वो तो मरने की हालत में। आप सोनाली को कैसे जानते? वो लड़की कल केतन से मिलने आई थी, केतन मना कर रहे थे फिर भी मिलने आई थी। क्या बात हुई उन दोनों के बीच? पता नहीं क्या बात हुई थी, बंद कमरे में हुई थी मीटिंग, लेकिन उसके जाने के बाद केतन बहुत डिस्टर्ब थे, न ठीक से खाना खा पा रहे थे न ठीक से सो पा रहे थे। और जब आज सुबह वो सोनाली से मिलने मॉल में गए तो वहाँ उनका खून हो। आपके पास कोई सबूत है इस बात का कि सोनाली ने केतन का खून किया? जी हाँ, वरना मैं सीआईडी में क्यों आती? ये तो वही कैप है जो खूनी ने पहनी थी। ये कैप सोनाली ने मेरे पति को दी थी। सोनाली ने ये कैप आपके पति को दी? सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत है क्या? मगर वो तो उठ भी नहीं सकती थी। ओके ओके ठीक है, हम लोग आते हैं। सोनाली ने हॉस्पिटल से भागने की कोशिश की मगर कमजोरी की वजह से वहीं पे गिर पड़ी। पता नहीं कब वो उठी और कब कमरे में से निकल के भाग गई। पर आपने तो कहा था कि उसके होश में आने की उम्मीद कम है। देखिए रिपोर्ट्स देखकर मुझे जो लगा वो मैंने कहा, इस हालत में वो कॉरिडोर तक कैसे पहुंची ये समझ में नहीं आ रहा। कुछ बताया उसने नाम वगैरह? कह रही थी घर जाना है। उसके कमरे में किसी का होना बहुत जरूरी है बॉस, कहीं वो फिर से भाग न जाए। सोनाली ने नर्स को इंजेक्शन लगा दिया सेडेटिव का। सर वो कहीं नहीं है। वो हॉस्पिटल से बाहर निकल गई क्या? अगर वो चल नहीं सकती तो रिक्शा विक्शा से बाहर गई होगी ना।
क्या हुआ, कुछ लफड़ा है क्या? कौन है ये लोग? अरे सीआईडी वाले हैं, किसी लड़की का चक्कर है। लड़की का? हाँ, वो लड़की हॉस्पिटल से भागी हुई है। लड़की? जिस लड़की को मैं लेके गया था, कहीं ये वही लड़की तो नहीं है? अरे वही है, तू खिसक ले वरना फंस जाएगा। अरे नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया ना। तुम यहाँ से किसी लड़की को लेकर गए थे? हाँ ठीक है, सोनाली हॉस्पिटल से भाग गई है। सर वो तो बहुत कमजोर थी सर। अफ्रेडिक्स ये बात तो है, लेकिन वो मालाड के किसी ब्राइट लाइट होटल में गई है। समझ में नहीं आ रहा है वो होटल में क्यों गई। सर इन सारे सवालों के जवाब सोनाली के पास है। हाँ उसी ने खून होते हुए देखा है, मगर जिसका खून हुआ है उसकी पत्नी कह रही है कि खून सोनाली ने ही किया है। सर एक बात बोलूं? फ्रेडिक्स जब तुम ऐसा सवाल करते हो ना तो मेरा दिल बैठ जाता है। क्यों सर? क्योंकि मुझे मालूम है तुम ऐसा सवाल करने वाले हो जिससे मेरा दिमाग घूम जाएगा और मैं अपना सिर किसी दीवार पर जाकर पटक दूं, या तो ये केस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बोलो बोलो। सर अभिजीत सर का क्या रोल है? क्या मतलब? सर वो लड़की अभिजीत सर को जानती है, मगर अभिजीत सर उस लड़की को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। अब या तो वो एक्टिंग कर रहे हैं या फिर फ्रेडिक्स। आई एम सॉरी सर। सर वो लड़की जब मॉल में गई तब कैप वाला भी गया, और वही कैप मरने वाले के वाइफ ने हमें लाके दी। हाँ ये बात तो है, उस कैप वाले का उस लड़की के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर है। शुगर? शुगर? शुगर नहीं फ्रेडिक्स, कोकेन है, कोकेन। जी हाँ सोनाली जी यही ठहरी हुई है, दो दिन पहले ही आई थी, रूम नंबर 102। सोनाली जी दरवाजा खोलिए। शायद अंदर कोई नहीं। आपके पास मास्टर की है? जी है। सोनाली 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 आप ठीक हैं? अभिजीत यहाँ पर कोई नहीं है। इसकी हालत बहुत खराब है, मैं इन्हें हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, तुम लोग कमरे को अच्छी तरह से चेक करो। संभाल के अभिजीत ठीक है। एक काम करो सर, इस कमरे में से एक एक चीज को उठाओ, एक बैग में डालो और ब्यूरो लेके चलो। सर अगर हमें और देर होती तो शायद सोनाली की मौत ही हो जाती। अभी भी बची कहाँ है? ऑपरेशन होना है और डॉक्टर कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। अभिजीत तुम्हें जरा भी याद आता ना कि ये लड़की कौन है तो शायद जल्दी पता चल जाता कि ये बात क्या है। सर कुछ भी नहीं सर, हैरानी की बात यह है कि इस पूरे सामान में कोई ऐसा पेपर नहीं मिला जिसे पता चले कि लड़की कौन है, ना पासपोर्ट ना राशन कार्ड और ना ही किसी चीज पे कुछ नाम वगैरह लिखा है सर। अरे ये तो खाली है। तो फिर ये आवाज कैसे? दिखा लीजिए सर। सर बैग के लाइनिंग के बीच में से आवाज आ रही है, जरा नाइफ देना।
डॉक्टर है सर। क्यों? कुछ नहीं सर, चले देखिए। क्या हुआ, क्या लिखा है? सर मैं नहीं बता सकता सर। अरे क्यों? सर ऐसे। क्या इसमें मेरा नाम लिखा है? लो दिखाओ। सर रहने दीजिए सर, कुछ नहीं। दया खत दिखाओ। तुमने क्या किया? अरे अब क्या हुआ? तुम्हें मालूम है कितनी बदनामी होगी? लो देखो। बोलिए, ये खत तुमने ही लिखा है ना? सर नाम तो मेरा ही है। जिस लड़की को तुमने प्रेम पत्र लिखा है उसके बारे में कहते हो तुम, उसे जानते तक नहीं? सर मैं वाकई इसको नहीं जानता। सर इसमें कुछ और भी है सर। अब क्या है? ये लो। अब ये मत कहना कि तुम इस लड़की को पहले कभी मिले नहीं। सर इस लेटर पे तो 8 साल पहले की डेट है। हाँ, 8 साल पहले की। अभिजीत अब मेरे समझ में आ रहा है कि तुम्हें याद क्यों नहीं आ रहा है कि ये लड़की कौन है। अभिजीत 8 साल पहले तो तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। तुम तो अपनी माँ को भी पहचानने से इनकार कर रहे थे। कुछ बदमाशों ने तुम्हें किडनैप किया था और बहुत बुरी हालत में तुम हमें मिले थे। माय गॉड, अभिजीत, 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 सब ठीक हो रहा है सर? अभिजीत, तुम ठीक हो? कुछ बोलो अभिजीत। मैं एसीपी प्रद्युमन। ये देखो सब इंस्पेक्टर दया। आप अभिजीत, तुम हमारे साथ काम करते हो? अभिजीत कौन है आप? तुम्हारी माँ तो बेचारी शौक से मर गई। सर याद करके तो बहुत दुख होता है। इसका मतलब एक है अभिजीत कि ये लड़की तुम्हारी याददाश्त जाने से पहले तुम्हें मिली थी। हाँ सर यही हो सकता है। अब कुछ भी तो याद नहीं आ रहा है सर। हाँ सर, ये देखिए सर, इस फोटो में जो बिल्डिंग का नाम हल्का सा दिख रहा था वो पढ़ा जा रहा है सर। सुंदर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पुणे। देख सर, एक काम करो, सुंदर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जाओ और वहां सोनाली का फोटो दिखाओ। 8 साल पहले का वहां कोई तो होगा जो शायद इसे पहचान ले। सर
सर यही जगह है सर, फोटो यहीं पे ली गई है। अभिजीत सर यहाँ आए थे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। केमिस्ट्री बाद में सॉल्व करते हैं, पहले ये तो पता करें कि इस लड़की को यहाँ कोई पहचानता भी है कि नहीं। चलो मेरे घर के बाहर जो पौधे हैं उसे पानी डालो। तुमने डाला? नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से, हमें आपसे कुछ पूछना है। सीआईडी से क्या बात है? आप इस लड़की को जानती हैं, सोनाली को? नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं, इसका मतलब है इस लड़की का नाम सोनाली नहीं। पर हम तो अभी तक यही समझ रहे थे कि इस लड़की का नाम सोनाली है। इस लड़की का नाम सुरवी है। सुरवी? ये लड़की अभी भी यहीं रहती है? नहीं, इसके माँ बाप रहते थे लेकिन अब उनकी मौत हो चुकी है। और ये लड़की? अपने पति के साथ रह रही है। किसके साथ शादी हुई है इसकी? सीआईडी तुम हो या मैं, सब कुछ मैं ही बताऊंगी, तो तुम लोग क्या करोगे? हाँ, इस लड़की का नाम सोनाली नहीं, सुरवी है। जी सर, इस लड़की ने अपना नाम तक बदल दिया है। ये लड़की हमें उस टोपी वाले तक पहुंचाएगी। अगर सर जब वो होश में आएगी तभी कुछ हो सकता है। होश में तो उसे आना ही पड़ेगा, ये खून और ड्रग्स का मामला है समझे। ये लड़की उस खूनी को भी जानती है और जिसका खून हुआ उसे भी जानती है। हाँ सर, और अभिजीत को भी जानती है। अभिजीत, कौन है ये लड़की? सर मैं बार बार कह चुका हूँ सर, आप मुझसे ये सवाल मत पूछिए। मैं बता चुका हूँ मैं नहीं जानता ये लड़की कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है, मुझे कुछ नहीं मालूम है सर। अभिजीत, तुमने उसे प्यार भरे खत लिखे हैं, इसका मतलब साफ है कि वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा रही है। रही होगी सर, मगर अभी याद नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ? याद नहीं आ रहा तो घर जाके बैठो। सर, सर पुणे के मैरिज ब्यूरो से पता चला है कि सुरवी की शादी वाकई में हुई थी। सुरभि की शादी हो चुकी है? शादी हो चुकी है? हाँ सर, किसी आकाश नाम के आदमी के साथ। आकाश? ये आदमी मुंबई में ही रहता है। उसका एड्रेस है तुम्हारे पास? यस सर। ठीक है, जल्दी से जल्दी इस आकाश से पूछताछ करो। देखो सुरभि इस कोकेन और मर्डर के रैकेट में फंसी कैसे। उस औरत ने तो हमारे बेटे की ही जिंदगी नरक बना के रख दी। करा क्या है उसने? किसी और के साथ भाग गई हो। आकाश है घर में, हम उसे बात कर सकते हैं? हमें अभी मिलना है उससे। प्लीज सर, उसे अकेला छोड़ दीजिए, वो किसी से नहीं मिलना चाहता। सजा तो सुरवि को ही मिलनी चाहिए। किस बात की? किडनैपिंग। किडनैपिंग? किसकी किडनैपिंग? वो आकाश की बेटी परी को किडनैप करके ले गई है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता ये? क्योंकि सुरभि हॉस्पिटल में पड़ी हुई है और जहाँ वो रह रही थी वहां से हमें कोई बच्चे नहीं मिले। क्या परी वहां नहीं है तो फिर वो बच्ची कहाँ गई? ये तो हमें पता नहीं कि वो कहाँ गई, मगर आपके पास बच्ची का फोटोग्राफ है? हाँ। तो ये आकाश, मगर आप तो कह रही थी कि सुरभि किसी और के साथ भाग गई। किसके साथ भाग गई? ठीक से तो पता नहीं है लेकिन आकाश हमेशा कहता था कि वो किसी अभिजीत नाम के आदमी के साथ प्यार करती थी, शायद उसी के ही साथ भाग गई होगी। अभिजीत, अभिजीत, हर जगह बेचारा अभिजीत फंस रहा है। अब मारे गए ना ब्रह्मचारी। इसका मतलब ये है सर कि कभी भी लव लेटर लिखो तो 10 बार सोच समझ कर लिखो, पता नहीं सालों बाद कहीं से निकल के सामने आ जाए वो लव लेटर। देख काम करो, इस बच्ची की फोटो की कॉपीज बनवाओ और सब जगह भेज दो, हर जगह छपवा दो इसकी फोटो। यस सर। सर अब समझ में आ रहा है ये सुरभि बार बार हॉस्पिटल से क्यों भाग रही थी। क्यों? अपनी बेटी से मिलने के लिए। बेटी होटल में अकेली थी ना? लेकिन वो बेटी वहां थी नहीं सर, किसी आदमी ने किडनैप कर लिया उसको। अब एक माँ थोड़ी करेगी अपनी बच्ची को किडनैप।
सर। हाँ। स्कैनिंग हो गई सर। लेकिन ये बच्ची है कहाँ? इसकी माँ हॉस्पिटल में है, बाप भाग गया है। एक मिनट है, एक मिनट। ये क्या है? ये अंगूठी दया, अंगूठी। इस आकाश के हाथ में जो अंगूठी है वो। ये तो कहीं देखी हुई लग रही। वही तो मैं कह रहा हूं अभिजीत। सर मैं बताता हूं हमने कहां देखी। कहां? ये देखिए सर, ये तो मॉल की फुटेज है। जी सर, वही टोपी वाला आदमी। हाँ सर। अब सर ये देखिए, ये दोनों अंगूठी एक जैसे है सर। दोनों एक ही आदमी है सर। आकाश ही ये टोपी वाला है और इसी ने फोन भी किया है और इसी ने बच्ची को भी किडनैप किया है। आपके बेटे ने अपनी पत्नी को मारा, अपने बेटे को किडनैप किया और अब एक खून भी किया है समझे? और आप लोग उसकी तारीफों के पुल पर पुल बांधे जा रहे थे। हा? ड्रग डीलर है आपका बेटा, मासूम लोगों को गंदी आदतें लगाता है समझे? है कहां वो बताइए, कहां छुपा है वो, वरना दोनों को जेल जाना है समझे? जेल तो ये वैसे भी जाने वाले हैं। वो अपनी बीवी को मारता रहा और आप लोग चुपचाप तमाशा देखते रहे। आप लोगों को वो नया कानून मालूम है ना, औरतों पे अत्याचार अब एकदम बंद। वो अपनी बेटी को कभी नहीं मारेगा। सुनो तो याद रखना, अगर परी को कुछ हो गया ना तो तुम लोगों की जिम्मेदारी होगी समझे? देखो हम तुम्हारे घर का फोन टैप करने वाले हैं, उसका कभी ना कभी तो फोन आएगा, तब पता चलेगा वो कहां से बात कर रहा है। उसकी कोई फोन डायरी है यहाँ पे? उसके दोस्तों का फोन नंबर और एड्रेस वगैरह चाहिए हमें। और नहीं तो उसका कमरा दिखाओ, कहां है उसका कमरा? वो क्यों? उसके कमरे की तलाशी ले, देखे तो सही उसके कमरे में क्या क्या है। सर। हाँ? आकाश का फोन नहीं लग रहा है, फोन बंद कर रखा है उसने। फोन बंद कर रखा तो फिर फोन ट्रेस कैसे करेंगे? सर। हाँ सर, ये देखिए जूते, मिट्टी लगी हुई है। सर इतना सारा सामान मिला है स्पोर्ट्स का आकाश के घर में से, ये देखिए सर। लगता है इसे जॉगिंग का बहुत शौक है और इसके जूते देख के ऐसा लगता है हर रोज जॉगिंग करता हूँ। ये जॉगिंग एक तरह का नशा है सर, जहाँ भी होगा जॉगिंग जरूर करेगा, जॉगिंग या वॉकिंग छूटता नहीं है। हाँ ये बात तो है, जॉगिंग पर जरूर जाएगा, पर कहाँ? मिट्टी से तो लगता है ये कोई जॉगिंग ट्रैक होना चाहिए। एक काम करो, आकाश की फोटो लेकर सब पार्क्स में जाकर दिखाओ, कोई तो पहचानेगा इसे। सुनिए, क्या आपने इस आदमी को यहाँ कभी देखा है? क्या मतलब? मैं क्यों? क्या समझ के रखा है? अरे मैं सीआईडी से हूँ और हम लोग इसे ढूंढ रहे हैं। मैम आपने इस आदमी को इस पार्क में जॉगिंग करते हुए देखा है? नो। एक्सक्यूज मी या क्या मुझे वो दोबारा फोटोग्राफ दिखा सकती है? या तुझे याद आया? इस आदमी को तो मैंने नहीं देखा लेकिन इस बच्ची को मैं जानती हूँ। बेटा आपकी दोस्त पिंकी कहाँ गई जो अभी खेल रही थी आपके साथ? वो तो चली गई अपने पापा के साथ। कभी? थोड़ी देर पहले उसके पापा ने बोला कि वो कल फिर से आएगी। कल? ठीक है तो कल जॉगिंग ठीक से कीजिए। देखो वो कहीं से भी कभी भी आ सकता है, सो बी अलर्ट। हैं बैठ जाओ जल्दी। हाँ
अच्छा बट बी केयरफुल ओके बाय टेक केयर बाय आंटी चलो डन बी रेडी यस सर जाओ कितना अच्छा जैकेट है आपका मेरे पास भी ऐसी जैकेट है मैं आपको दे दूँ से चलो आप मेरे साथ अरे वो देखो बच्चे को लेके कोई जा रही है रोको उसे रोको जल्दी और रोको रोको वो देखो काम वहीं पर रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा देखो इस बच्ची को लग जाएगी ये लड़की मेरे हवाले कर दो तुम कौन हो मैं इस बच्ची का बाप ये बच्ची मुझे दे दो ये लड़की मुझे दे दो आकाश तुम्हारा खेल खत्म हो गया अपनी बंदूक फेंक दो आकाश आखिर तुम लोगों ने मुझे ढूंढ लिया लेकिन ऐसे भी इतना आसान नहीं है गन फेंक दो बचपना मत करो आकाश आकाश बच्चे को छोड़ दो नहीं ऐसे भी मेरी बात मानो आकाश मुझे यहाँ से जाने से कोई रोक नहीं पाएगा आकाश बच्चे को छोड़ दो पर हाँ कोई गोली नहीं चलाएगा बच्चे को लग जाएगी ना चलो परी चलो मुझे मम्मी दे ठीक है मैं तुम्हें मम्मी देता हूँ लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? देखिए, मुझे जो कुछ भी पता था, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। हमें पता है आपने हमें सब कुछ बता दिया है, पर आपको हमने किसी और वजह से बुलाया है। मम्मी, परी, मम्मी, केतन आकाश के साथ ड्रग्स का बिजनेस करता था। मैंने उसे कहा कि ये उसका आखिरी चांस है वो मेरे साथ पुलिस के पास चले और आकाश को गिरफ्तार करवा आकाश ने केतन को भी मार डाला अब आकाश तुम्हें कभी तंग नहीं करेगा वो मर चुका है आकाश मर चुका है अभी भी मेरे बारे में कुछ याद नहीं है अगर आपकी याददाश्त नहीं जाती तो आज मेरी जिंदगी कुछ और ही होती लेकिन एक नुकसान जरूर होता क्या तब शायद ये परी मेरी जिंदगी में नहीं होती चलती हूँ क्या करूं सर मुझे अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि शायद मैंने काफी कुछ खो दिया है
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.